हेलो गाइस, वेलकम टू विवेक पाठशाला। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं जीके क्वेश्चन एंड आंसर, जिसमें हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज इसमें हम बात करने वाले हैं जीके क्वेश्चन एंड आंसर, जो कि गाइस हमारा टॉपिक होने वाला है सोलर सिस्टम। तो गाइस, सोलर सिस्टम के आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो गाइस, बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, नेम द प्लानेट विच इज़ नोन एज रेड प्लानेट इन आवर सोलर सिस्टम। तो गाइज, हमारे सोलर सिस्टम के अंदर जो रेड प्लानेट होता है उसका आंसर है गाइज हमारा मार्स। तो गाइज, मार्स हमारा एक ऐसा प्लानेट है जो कि हमारा रेड प्लानेट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है गाइज हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है गाइज हमारा, नेम द लार्जेस्ट प्लानेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम के अंदर सबसे बड़ा प्लानेट जिसका आंसर है गाइज हमारा जुपिटर। तो गाइज, जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लानेट इन आवर सोलर सिस्टम, सबसे बड़ा प्लानेट जुपिटर। इसके बाद है गाइज हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री, नेम द ब्लू प्लानेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम के अंदर जो ब्लू प्लानेट होता है गाइज, वो है हमारा अर्थ। तो गाइज, हमारा जो अर्थ होता है वो हमारा ब्लू प्लानेट कहलाता है हमारे सोलर सिस्टम के अंदर। तो गाइज, अर्थ इज़ द ब्लू प्लानेट इन आवर सोलर सिस्टम। इसके बाद है गाइज क्वेश्चन नंबर फोर। तो गाइज, क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर, नेम द प्लानेट विच इज़ नोन एज इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार। एक ऐसा प्लानेट जो कि हमारा इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार कहलाता है। तो गाइज, सुबह का तारा या सांझ का तारा हमारा होता है गाइज वीनस। तो गाइज, वीनस हमारा एक ऐसा प्लानेट है जो कि इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है गाइज हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव है गाइज हमारा, नेम द प्लानेट विच इज़ नोन एज सिस्टर ऑफ अर्थ। तो गाइज, क्वेश्चन है हमारा, नेम द प्लानेट विच इज़ नोन एज सिस्टर ऑफ अर्थ, या हम इसको लिख सकते हैं ट्विन्स सिस्टर ऑफ अर्थ। तो गाइज, पृथ्वी की जुड़वा बहनें जो कि हमारा होने वाला है गाइज हमारा वीनस। तो गाइज, वीनस हमारा एक ऐसा प्लानेट है जिसको सिस्टर ऑफ अर्थ हम कहते हैं या कहलाता है। तो गाइज, वीनस इज़ द प्लानेट विच इज़ कॉल्ड सिस्टर ऑफ अर्थ, या वीनस इज़ द प्लानेट विच इज़ नोन एज ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की जुड़वा बहन जो कि है गाइज हमारा वीनस। इसके बाद है गाइज हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स, नेम द प्लानेट विच इज़ नोन एज ग्रीन प्लानेट इन अवर सोलर सिस्टम। तो गाइज, क्वेश्चन नंबर सिक्स है हमारा, नेम द प्लानेट विच इज़ नोन एज ग्रीन प्लानेट इन अवर सोलर सिस्टम। ऐसा प्लानेट जो कि ग्रीन प्लानेट कहलाता है। तो गाइज, वो है हमारा नेपट्यून। तो नेपट्यून गाइज विच इज़ कोल्ड ग्रीन प्लानेट इन अवर सोलर सिस्टम। तो गाइज, नेपट्यून इज़ द प्लानेट विच इज़ नोन एज ग्रीन प्लानेट इन अवर सोलर सिस्टम। इसके बाद है गाइज क्वेश्चन नंबर सेवन, नेम द प्लानेट नियरेस्ट टू अर्थ। पृथ्वी के नज़दीक जो हमारा प्लानेट है गाइज, वो है हमारा वीनस। तो गाइज, वीनस इज़ द प्लानेट विच इज़ नियरेस्ट टू अर्थ। इसके बाद है गाइज क्वेश्चन नंबर एट, नेम द प्लानेट विच इज़ नियरेस्ट टू सन। सन के नज़दीक जो प्लानेट है गाइज, वो है हमारा मरकरी। तो गाइज, मरकरी इज़ द प्लानेट विच इज़ नियरेस्ट टू द सन। सन के नज़दीक होता है मरकरी, और अर्थ के नज़दीक गाइज हमारा होता है वीनस। तो गाइज, ये आप इसको याद रखना, पॉइंट बना के लिख लेना, वीनस होता है अर्थ के नज़दीक, और गाइज सन के नज़दीक हमारा होता है मरकरी। इसके बाद है गाइज क्वेश्चन नंबर नाइन, नेम द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। तो गाइज, अगर बात करें आंसर की, तो मून हमारा एक नेचुरल सैटेलाइट होने वाला है अर्थ का, क्योंकि हमारे अर्थ की केवल एक ही नेचुरल सैटेलाइट होती है जो कि है गाइज हमारा मून। तो गाइज, मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। केवल मून हमारा एक नेचुरल सैटेलाइट होता है अर्थ का। तो गाइज, इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर टेन की, नेम द हैवीएस्ट प्लानेट इन अवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम के अंदर सबसे भारी प्लानेट जो कि है गाइज हमारा जुपिटर। तो गाइज, जुपिटर इज़ द हैवीएस्ट प्लानेट इन अवर सोलर सिस्टम, सबसे हैवी प्लानेट जो कि है गाइज हमारा जुपिटर। इसके बाद है गाइज क्वेश्चन नंबर इलेवन। तो गाइज, क्वेश्चन नंबर इलेवन है हमारा, नेम द लार्जेस्ट सैटेलाइट इन अवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम के अंदर सबसे बड़ा सैटेलाइट जो कि है गाइज हमारा गैनीमेड। तो गाइज, गैनीमेड इज़ द लार्जेस्ट सैटेलाइट इन अवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम के अंदर सबसे बड़ा जो सैटेलाइट है गाइज, वो होने वाला है गैनीमेड। इसके बाद है गाइज हमारा क्वेश्चन नंबर 12, नेम द कोल्डेस्ट प्लानेट इन अवर सोलर सिस्टम। सबसे कोल्डेस्ट प्लानेट हमारे सोलर सिस्टम के अंदर, तो गाइज इसका आंसर है हमारा नेपट्यून। नेपट्यून हमारा होता है सबसे कोल्डेस्ट प्लानेट हमारे सोलर सिस्टम के अंदर। इसके बाद है गाइज क्वेश्चन नंबर 13। तो गाइज, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा,
नेम द प्लानेट विच डू नॉट हैव एनी सैटेलाइट, ऐसे हमारे प्लानेट जिसकी कोई भी अपनी सैटेलाइट या नेचुरल सैटेलाइट नहीं होती। तो गाइज ऐसे प्लानेट हैं हमारे मरकरी एंड वीनस। मरकरी एंड वीनस हमारे ऐसे दो प्लानेट हैं जिनकी कोई भी अपनी सैटेलाइट या नेचुरल सैटेलाइट नहीं होती। इसके बाद है गाइज क्वेश्चन नंबर 14, विच प्लानेट इज नोन एज आइस जीएंट। तो गाइज एक ऐसा प्लानेट जो कि हमारा आइस जीएंट के नाम से जाना जाता है। तो गाइज इसका आंसर है हमारा यूरेनस। तो गाइज यूरेनस इज़ द प्लानेट विच इज़ नोन एज आइस जीएंट। इसके बाद है गाइज लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, नेम द लास्ट प्लानेट इन अवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम के अंदर लास्ट प्लानेट जो कि है गाइज हमारा नेपट्यून। तो नेपट्यून गाइज हमारा होने वाला है लास्ट प्लानेट। अगर बात करें नंबर ऑफ प्लानेट तो गाइज नंबर ऑफ प्लानेट है हमारे 8। तो गाइज ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस, जीके क्वेश्चन एंड आंसर ऑन द टॉपिक ऑफ सोलर सिस्टम। इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। तो गाइज तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग विवेक पाठशाला।